गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज जानेंगे इस वीडियो में। जो आप लोग का पार्ट वन और पार्ट टू का सब्सिडरी एग्जाम चल रहा था, वो उसको स्थगित कर दिया गया, यानी कैंसिल कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद बताई जा रही है और बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी खराब स्थिति वजह से यूनिवर्सिटी सारे अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 21 तारीख से होने वाली एग्जाम था और 29 तारीख था, यहाँ पे बहुत ही क्लियर शब्दों में इन लोग ने इस बार लिखा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। जिनको भी अभी भी कन्फ्यूजन बनी हुई थी, भरोसा नहीं थी, उन लोग को अब भरोसा पूरी हो जाएगी। और फिर हम लोग बात करेंगे कि सर एग्जाम कब तक हो सकती है, ये सब्सिडरी एग्जाम जो कैंसिल हुई है इसका एग्जाम कब तक हो सकती है। तो ये न्यूज हम लोग पहले डिटेल्स में पढ़ने के बाद आपको डेट बताएंगे कि कब तक एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें कि बताइए कि आपको एग्जाम कब तक संभावना है। तो ये एक अप्रॉक्स डेट आप लोग को बता दिया जाएगा कि कब तक एग्जाम हो सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस न्यूज का सबसे पहले हेडिंग है कि एमयू ने अगले आदेश तक स्थगित की स्नातक पार्ट वन और टू की सब्सिडरी विषयों की परीक्षा। अगले आदेश की बात करते हैं, यानी कि जब तक कोई अगले आदेश नहीं आ जाता तब तक आप लोग वेट करते रहिए, इसका मतलब यही हुआ कोई निश्चित समय नहीं है। अब देखिए, विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अग्निवीरों की नियुक्ति के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर लिया गया है निर्णय, और उसके बारे में निर्णय लिया गया सभी को पता है। उसके नेक्स्ट, अभी तक के मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा 6 जून से आरंभ सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट वन व सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट टू के 20 से लेकर 29 जून के बीच सभी सब्सिडरी विषयों की परीक्षा। तो अब तो पूरी भरोसा हो गई होगी सर पे कि हाँ सही बता रहे थे सर कि सारे एग्जाम कैंसिल होंगे, एक दिन का नहीं। तो 20 से लेकर 29 जून तक सभी विषयों की शेष बचे सभी दिनों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर एमयू के परीक्षा विभाग द्वारा रविवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा शेष बचे सब्सिडरी विषयों की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। और यहाँ भी एक कन्फ्यूजन इन लोग ने छोड़ दिया है कि अब 20 से लेकर 29 लिख दिया और 18 का जो एग्जाम नहीं हुआ है उसके बारे में ये लोग नहीं लिखे हैं। तो मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ, 18 तारीख से लेकर 29 तारीख का जितने भी एग्जाम है सभी कैंसिल हो चुकी है। ये एग्जाम अब अगले नए सिरे से जब रूटीन जारी होगी तब होगी, और कब होगी अभी हम लोग लास्ट में जानेंगे। अब देखिए, 20 से लेकर 29 जून तक की होने वाली सभी परीक्षा को क्या गया स्थगित, बता दें कि एमयू द्वारा स्नातक वही सारे चीजें लिखा हुआ है कि 6 जून से स्टार्ट हुई थी और 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही थी जो कि शांतिपूर्ण ली जा रही थी, ऐसे बताया जा रहा है इन लोगों की तरह से। 17 जून तक सब्सिडरी विषयों की परीक्षा के 11 दिनों की परीक्षा ली जा चुकी है लेस्ट, जबकि 18 जून की अग्निवीरों की नियुक्ति के लेकर बिहार बंद के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था, और फिर 20 से लेकर 29 जून तक भी स्थगित कर दिया गया, यही सारी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट इन लोग लिखा है कि 29 जून तक होनी थी सब्सिडरी विषयों की परीक्षा। तो ये सब तो सभी को पता है कि 29 जून तक लास्ट सब्सिडरी विषयों की परीक्षा होनी थी, उसके आगे देखिए पार्ट वन पार्ट टू दोनों का होना था। अब देखिए परीक्षा विभाग का क्या कहना है, परीक्षा नियंत्रक का, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन लोग क्या कहते हैं वो जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए एमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रामोशीष पूर्वे ने बताया कि अग्निवीरों की नियुक्ति के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के कारण, देखिए आप लोगों को पता है ना इसमें कोई स्थिति साफ नहीं होती, जब कोई आपदा आ जाती है जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती है कि वो संभल नहीं रही है सरकार से प्रशासन से, फिर बाढ़ आ गई या भूकंप आ गई, मतलब आपदा की स्थिति आंधी तूफान साइक्लोन आ गई, तो इस सब में स्थिति साफ नहीं होता कि कितने दिन में ये स्थिति सुधर जाएगी और कब एग्जाम कर लेंगे, इसलिए स्थिति साफ नहीं होने की वजह से अच्छी तरह से लिख दिया ये लोग। विश्वविद्यालय ने द्वारा छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 20 जून से होने वाले स्नातक पार्ट वन पार्ट टू के सब्सिडरी विषयों के परीक्षा शेष दिनों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। देखिए यहाँ पे बताया गया कि छात्र छात्राओं की सुविधा के ये से उसकी सुरक्षा के कारण से, ऐसा कुछ नहीं है छात्र छात्राओं की सुरक्षा आप लोग क्या देंगे, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किए हैं कि सभी छात्र छात्राएं यदि एग्जाम हॉल में एक जगह जमा हो जाएंगे, एग्जाम सेंटर पे भीड़ लगेगी तो ये लोग आंदोलन भी कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा किए हैं। छात्र छात्राओं की सुरक्षा आप लोग देखते हैं तो अग्निवीर जैसी योजना ही नहीं लाते, 30 साल की नौकरी की जगह 4 साल की नौकरी। तो उसके नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, शेष दिनों की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आंदोलन शांत होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित विषयों की परीक्षा अगली तिथि जारी की जाएगी, यानी कि आंदोलन शांत होने के बाद। अब आप लोग हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम सर कब तक हो सकती है, ये आंदोलन कब तक शांत हो सकती है। तो देखिए जैसा कि केंद्र की सरकार की तरफ से निर्णय आ रही है, वहाँ से प्रतिक्रिया आ रही है कि योजना को वापस लेने के कोई भी वो प्लान नहीं बना रहे, क्योंकि वहाँ के तीनों सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं कि हम इतने तारीख से बाली को स्टार्ट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो वो लोग वापस नहीं लेंगे और
144 धारा और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, जिससे कि स्टूडेंट एक जगह कलेक्शन नहीं हो सके, एक जगह जमा नहीं हो पाए। इस वजह से आंदोलन बहुत ही जल्दी ही दब जाएगी ये आंदोलन, और दबने के बाद आप लोग का एग्जाम डेट आ जाएगी। तो इस महीने के लास्ट लास्ट तक तो आप लोग का एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं बनती है। हाँ, इस महीने के लास्ट लास्ट तक 25 तारीख तक आप लोगों का नए सिरे से जो एग्जाम रूटीन है वो जरूर जारी हो जाएगी, और आप लोग को फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ही एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है। तो आप लोग जून के लास्ट तक एग्जाम होने की संभावना को ना देखिए, नहीं हो सकती है। जुलाई से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो सकती है, वो भी सभी स्थिति साफ रही तो। अब एक सप्ताह रुक के फिर से 20-30-29 जून से ये लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें दिक्कत फिर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि आप लोग का 1 जुलाई वगैरह से एग्जाम कन्फर्म होगी, और 25 जून तक आप लोग का नए सिरे से जो एग्जाम रूटीन है सभी का फ्रेश, जितने भी एग्जाम नहीं हुआ है 18 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, और उसके बीच में पहले भी एक दो एग्जाम जो कैंसिल की गई थी, जिसे 29 जून को शेड्यूल किया गया था, 28 जून को शेड्यूल किया गया था, वो सारे परीक्षा का एक साथ रूटीन आप लोग का जारी कर दिया जाएगा सब्सिडरी विषयों का, और उसके तुरंत जस्ट बाद आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। तो देखिए आप लोग का जुलाई अब प्रैक्टिकल तक जाना चले जाएगा, जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक आप लोग का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और 1 जुलाई तक आप लोग का एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बाद ही जो फिर आगे की ये सेशन का ही लोग सोचेंगे। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी कमेंट्स क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।